हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम लाया हूं आपके लिए, जैसे हमने टाइटल पढ़ लिया होगा, पतंग ड्रोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलेगी कि पतंग ड्रोन जो लिस्ट हुआ है वो है क्या, उसके खास फीचर्स क्या हैं, क्योंकि ये ड्रोन कमर्शियल ड्रोन है और इसमें काफ़ी फीचर्स हैं जो आपको जानेंगे तो आपको नए लगेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, इस ड्रोन के बारे में बता दें आपको। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ड्रोन बनाया है एक अन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मिलकर BEL के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो काफ़ी बड़ी कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर कलेबरेशन करके ये ड्रोन बनाया है 4 महीने के अंदर, और टेस्ट हो चुका है, कमर्शियल ड्रोन है और काफ़ी ह्यूज है। इट्स नॉट मतलब छोटा, मतलब जैसे आपने DJI के ड्रोन देते हैं, ये कॉफ़ी टेबल जितना बड़ा ड्रोन है। एंड इसके आई थिंक ये माइक्रो के आगे जो स्मॉल कैटेगरीज आती हैं उसमें आएगा। इसके बाद स्पेक्स में आप बाल दूंगा, और ख़ास बात इसकी ये है कि ये ड्रोन जो है इसमें टेथर्ड पावर सप्लाई है। अब आप पूछेंगे टेथर्ड पावर सप्लाई का मतलब क्या है? टेथर्ड पावर सप्लाई का मतलब ये है कि इसमें एक ऐसी फ्लेक्सिबल वायर्स का अटैच रहेगी हमेशा, जो कि इसको कॉन्टीन्यूस पावर सप्लाई करेगी। तो ये कॉन्टीन्यूस सर्वेलेंस कर सकता है 10-10, 12-12 घंटे तक। और इसमें ऐसे कैमरे लगे हुए हैं, पावरफुल कैमरा, डे एंड नाइट कैमरा, जो कि 2 किलोमीटर तक जूम कर सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस है सर्वेलेंस। जैसे आपने ट्रैफिक के लिए कहीं किसी नंबर प्लेट आपने कार को ट्रैक करना दूर है, तो आप ड्रोन को हवा में उड़ा के, ये 100 मीटर तक जाता है क्योंकि इसमें टेथर्ड पावर सप्लाई है। उसकी वजह से टेथर्ड पावर सप्लाई मतलब उसमें वायर लगी हुई है जो उसके अटैच है, तो उसको अलाउ करती है 100 मीटर तक जाना, जो उसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई करती है। तो अब तो 100 मीटर जब आप उसको ले जाएंगे, तब इसके पावरफुल कैमरा से आप जूम करके नंबर प्लेट तक पढ़ सकते हैं काफ़ी दूर कार में। तो बेसिकली सर्वेलेंस के पर्पज़ से ये बनाया गया, फोकस से बनाया गया, टेथर्ड पावर सप्लाई है इसके अंदर। तो इट्स अ गुड थिंग एंड न्यू थिंग विच दे हैव डन इट इन दिस ड्रोन। और इसको काफ़ी हार्श एनवायरमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए बिल्ट किया गया, मतलब सॉलिड बिल्ट है, तो लॉन्ग एंड्योरेंस, बिल्ट टू विदस्टैंड हार्श एनवायरमेंट्स लाइक हैवी विंड्स, और ये सारा कुछ कर पाएगा। और इसकी एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, सिटी सर्वेलेंस कर सकते हैं, इसे मैंने आपको अभी बताया, क्राउड एनालिसिस हो सकता है, मतलब क्राउड में कोई गड़बड़ आदमी है या उसको ट्रैक करना है तो वो वहाँ पर ये ड्रोन बहुत काम का है पुलिस के लिए। ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है, नंबर प्लेट्स वगैरह इसमें आपको आता दूर से पढ़ लेगा। और इसके अलावा एनिमल ट्रैकिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग डिजास्टर्स के लिए भी थोड़ा बहुत इसको कारगर बनाया गया है। 9 kgs इसका भार है और कॉफ़ी टेबल जितना बड़ा है। और इसको आप लॉन्च कर सकते हैं शिपबोर्ड से, मोबाइल ग्राउंड से, फिक्स प्लेटफॉर्म से, और कहीं भी आप इन प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च कर सकते हैं। और ध्यान रहे ये वायर्ड है, टेथर्ड वायर्ड है पावर सप्लाई के लिए, ताकि ये कॉन्टीन्यूस आपको फुटेज प्रोवाइड करता रहे। तो इसका और एक और फैक्ट इंटरेस्टिंग है, 85 पीपल ने मिल के इसको बनाया है, जिसमें प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, और BEL का स्टाफ है। तो ये था डिटेल्स अबाउट पतंग ड्रोन, जो कि लिस्टेड है हमारे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड लिस्ट करवाया गया थ्रू स्काई लाक ड्रोन्स। मैन्युफैक्चर हैं BEL इन एसोसिएशन विद अन्ना यूनिवर्सिटी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट दिस ड्रोन इज एंड व्हाट इट कैन डू। इट्स अ टोटली कमर्शियल ड्रोन, नॉट फॉर आवर पर्पस, बिकॉज हमें वायर जैसा 10-10 घंटे चलाना ड्रोन नहीं चाहिए। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स लिखिए आप क्या सोचते हैं पतंग ड्रोन के बारे में। एंड डेफिनेटली आई आंसर एवरी सून, क्वेश्चन आंसर सेशन आने वाला है, तो कोई भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं इसमें, डेफिनेटली यू विल गेट दैट आंसर फ्रॉम मी। तो होप आपको पसंद आया वीडियो। अगर आप नए चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम देते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।